जहाँ शिक्षा अच्छी नहीं मिलेगी उस राज विकसित कभी नहीं होगा वो राज, और हम तमाम शिक्षक परेशान हैं इस सरकार में। नमस्कार, मैं प्रेरणा, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आज पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों ने फिर से जमकर बवाल काटा है। बताते चले कि STET और STET उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने जमकर गुस्सा जाहिर किया है। नए शिक्षक नियमावली के विरोध में आज यह प्रदर्शन किया गया, जहां पर आज के दिन को काला दिवस के रूप में मनाया गया है। जैसा कि आपको पता है कि यह जो हंगामा है बहुत पहले से होता रहा है। यह उस दौर की बात है जब TET और STET अभ्यर्थी जो है कब से अपने मांग को लेकर सरकार से अड़े हुए थे कि हमारी मांगों को पूरा कीजिए, लेकिन सरकार उनके मांगों को हमेशा से नज़रअंदाज करती रही। इस बात को लेकर कि नई शिक्षा नियमावली में बहुत सारे बदलाव किए जाएंगे और शिक्षकों को कई सारे लाभ भी मिलेंगे, इस पर भी प्रस्ताव पारित किए गए, लेकिन बाद में इस पर कुछ नहीं हुआ। और इसी को लेकर आज शिक्षक अभ्यर्थियों ने काला दिवस मनाया है, जहाँ पर भयानक तरीके से प्रदर्शन भी किया और सरकार के प्रति गुस्सा भी जाहिर किया है। तो चलिए एक बार दिखाते हैं कि आखिर शिक्षक अभ्यर्थियों की क्या कुछ मांगे हैं। हम लोग काला दिवस के रूप में इसलिए मना रहे हैं क्योंकि हमारे जो उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी हैं, जब चुनावी समय आता है तो उसमें चुनावी मैनिफेस्टो में लिखते हैं शिक्षकों को समान काम, समान वेतन, पुरानी पेंशन, राजकर्मी का दर्जा सहित सारी मांगों को पूरा किया जाएगा पहली कैबिनेट में, पहली कलम से। लेकिन जब उनकी सरकार बनती है तो हम लोगों के साथ खिलवाड़ करना चाहती है और हम लोगों के साथ ये खिलवाड़ की है। इसीलिए हम आग्रह करते हैं सरकार से, ये जो नई नियमावली बनी है इसको वापस लें और इसमें स्थानांतरण, पुरानी पेंशन सहित सारी नियमावली को दुरुस्त करते हुए नई नियमावली को फिर से पुनः लागू करें। क्या नाम है आपका? सरोज कुमार, अध्यक्ष प्रखंड सौर बाजार। हम लोगों के राज्य संघ के आह्वान पर सबसे पहले ये शिक्षक नई शिक्षक नियमावली जो 2023 जो सरकार निकाली है ये एक सिर्फ छलावा है, हम तमाम शिक्षकों के साथ धोखा है। इसमें इन्होंने राजकर्मी की दर्जा के लिए BPSC की एग्जाम देने की बात कह डाली। मैं उस राज्य सरकार से कहना चाहता हूँ, हम लोग आज कोई शिक्षक साथी हमारे आज 20 साल से सेवा में है, कोई 12 साल से, कोई 8 साल से, अब हम लोग BPSC के एग्जाम हो हम लोगों से मांग रहे हैं। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, मैं BPSC का एग्जाम दूंगा, हमको क्या वीडियो बनाएंगे, SDO बनाएंगे सरकार? और इस तरह से हम लोगों का वो शोषण करते हैं। आज तक आप लोग तमाम मीडिया कर्मी के लोग हैं, आज तक आप लोग देखे होंगे जो शिक्षक स्कूल विद्यालय में रह के बच्चे को शिक्षा प्रदान करते हैं वो शिक्षक को सड़क पे आंदोलन करना पड़ता है। बड़ी दुख की बात है सरकार में जहाँ शिक्षा अच्छी नहीं मिलेगी उस राज विकसित कभी नहीं होगा वो राज, और हम तमाम शिक्षक परेशान हैं इस सरकार में। BPSC की तर्ज पे हम एग्जाम क्यों दे, 15 सालों से हमने शिक्षा में सेवा किया है, विद्यालय में बच्चे को शिक्षा दिया है, आज पुनः हम लोगों को एग्जाम लेने की बात करती है। इसमें यहाँ तक नहीं, जो हम लोग DLED में पहले एंट्रेंस दे के शिक्षक पास करते हैं, 2 साल DLED का कोर्स वर्क करते हैं हम लोग, उसके बाद उसका एंट्रेंस दे के पास करते हैं, तब BTET और CTET निकालते हैं हम लोग, तब जाके कहीं शिक्षक बनते हैं। इसमें भी इतनी परीक्षा लेने के बाद अब कौन अगली परीक्षा है आपको? तो आप परीक्षा ही नहीं, हम लोगों को सिर्फ आप लोग जो है शिक्षक समाज को सिर्फ परेशान करने का काम करते हैं, और हम लोगों को सम्मानित ही नहीं, हम लोगों को अपमानित करने का काम करते हैं। जहां गुरुओं की अपमान ना हो, अपमान हो, वो राज कभी विकसित नहीं हो सकता। अजीत कुमार, अध्यक्ष TSUNS सहरसा। तो जैसा कि आपने देखा कि शिक्षक अभ्यर्थी लगातार मांग करते आए हैं, काफी दिनों से धरना प्रदर्शन हुआ, उन पर लाठी चार्ज भी किए गए, उन्हें दौरा दौरा कर पीटा भी गया, बावजूद उसके वो अपने मांग पर अड़े रहे। शिक्षक अभ्यर्थी कहते रहे कि ये हमारा हक है और हमारी मांग पूरी होनी चाहिए, लेकिन सरकार इस पर मौन ही बनी रही और आज भी वही दशा है, जिसको लेकर आज के दिन को काला दिवस के रूप में मनाया गया। इस पर शिक्षक अभ्यर्थियों ने गुस्सा जाहिर भी कर दिया है। अब तो देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मसले के बाद आगे क्या होता है और सरकार इस पर क्या कदम उठाती है। फिलहाल के इस वक्त के खबर में इतना ही, और भी ऐसे ही तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल एक न्यूज 24। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे वीडियोज पसंद आते हैं तो शेयर जरूर कीजिए।